हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंद्रानी आर्ट स्टूडियो। आज हम लोग ये बनाने वाले हैं, तो आइए देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। आपके पास घर पे तो कुछ माउंट बोर्ड वगैरह या तो कार्डबोर्ड पड़ा रहेगा, आप वो पेपर यूज कर सकते हो, नहीं तो ये नॉर्मल आपके लोकल शॉप पे भी मिल जाएगा। इसको हमने कुछ स्ट्रिप्स पे डिवाइड किया है। मैंने ये यहाँ पे 12 इंच का लाइन ड्रॉ किया था, फिर उसको 4.5 में भी एक कट किया है और ऐसे ये हम स्टिक करने वाले हैं प्रॉपर बैठा के। और स्टिक होने के बाद थोड़ा इसको प्रेस भी करना है ताकि ये प्रॉपरली बैठ जाए। अभी उल्टा साइड में भी देखिए, यहाँ पे भी हमें वापस से एक एक करके स्ट्रिप ऐड करना पड़ेगा। आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए, जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स दिख रहे हैं आपको, ये वही 4.5 इंचेस के हैं। बट हम लोग ऐसे स्टिक नहीं करेंगे, ऐसे स्टिक करने से ये शेप बिगड़ सकता है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अभी देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है, ये ठीक मिडिल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मिडिल वाला हिस्सा। इसको पहले हम लोग स्टिक करेंगे, फिर वन बाय वन साइड से स्टिक करते हुए जाएंगे। ये देखिए, तो अगर हम ऐसे इसको स्टिक करें तो आउटपुट थोड़ा अच्छा आएगा। अभी ग्लू अप्लाई करते हैं यहाँ पे, फिर जो पैटर्न में हम लोगों ने सजाया था वही पैटर्न में, ये देखिए क्या किया था मिडिल से, वही पैटर्न में हम लोग इसको स्टिक करेंगे। और सिर्फ नीचे का पोर्शन स्टिक करने से नहीं होगा, ऊपर भी ग्लू देना पड़ेगा। हमने यहाँ पे भी थोड़ा ग्लू अप्लाई कर दिया, और फिर इसको अच्छे से स्टिक करते हैं। ग्लू अगर ज़्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी वो सूख जाएगा और वो कोई अलग से कलर नहीं दिखने वाला है। हम लोग इस पर एक्चुअली कलर भी करेंगे इसके बाद। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी थोड़ा ग्लू अप्लाई किया, फिर स्टिक कर रही हूँ। फिलहाल ये तीन तो स्टिक हो गया है, अभी और तीन बाकी है। वापस से ग्लू लगाया, मैं यहाँ पे फेविकॉल यूज कर रही हूँ। आपके पास दूसरा कोई अच्छा ग्लू है तो वो भी यूज कर सकते हो। को ध्यान रखना है कि ये दोनों साइड प्रॉपरली चिपक जाए, ठीक है। और ऐसे जब आप स्टिक कर रहे हो तो थोड़ा फिंगर से भी प्रेस किया करो ताकि वो ना निकले, थोड़ा पकड़ इसमें अच्छा हो, स्ट्रांग हो। अभी लास्ट वाला बाकी है, ये तो फिलहाल हो गया। अभी और एक स्ट्रिप चाहिए जो हम ठीक ये नीचे वाले पोर्शन में यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करने वाले नीचे में। थोड़ा ऐसे प्रेस करके वेट भी करना है, नहीं तो वो शेप थोड़ा बिगड़ सकता है। मुझे जल्दी है इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको छोड़ रही हूँ,
आप लोग थोड़ा टाइम दीजिएगा बनाने के टाइम में। अभी ये स्टिक करना है ठीक यहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि उल्टा दे दिया तो वो अलग, एक्चुअली वो अलग लगेगा देखने में, इसलिए मैंने चेंज किया। तो कलर से कुछ मतलब नहीं है, आप कोई भी कलर से वैसे स्टिक कर सकते हो। मैंने थोड़ा सेम दिखाने के लिए सेम यूज किया है। ऐसे थोड़ा प्रेस करके रखना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो पाए। भी और एक स्ट्रिप चाहिए। और ये जगह थोड़ा कवर कर देते हैं, कर्व शेप काटा था मैंने तो इस पे थोड़ा ऐड कर देते हैं ताकि ऊपर का हिस्सा देखने में थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन जितनी बार आप ऐसे ग्लू अप्लाई करोगे थोड़ा इसको प्रेस करके रखिएगा थोड़ी देर के लिए। मोस्टली कोशिश कीजिएगा जो पोजीशन में आपने इस ये स्ट्रिप्स को प्लेस किया है एटलीस्ट 5 मिनट वो जगह से मूव मत कीजिएगा जब आप स्टिक कर रहे हो। अभी देखिए ये शेप मैंने कट किया है, इसको भी ऑपोजिट साइड में मैं स्टिक करूंगी। यहाँ पे स्टिक कर देते हैं। स्टिक करने के बाद जैसे मैंने बताया थोड़ा प्रेस करके रखना जरूरी है। अब ये रेडी है। एक पेपर लिया, ये पेपर को यहाँ पे इसलिए प्लेस किया है मैंने ताकि मुझे थोड़ा अंदाजा मिले कि बर्ड का साइज कितना होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे बर्ड ड्रॉ करने वाले हैं तो ये मुझे लगभग आइडिया मिल जाएगा कितना बड़ा हमें ड्रॉ करना चाहिए इस जाता कि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। करीब ऐसा अगर शेप मिल जाता है तो अच्छा ही लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 बर्ड बनाने वाले हैं, एक का कटआउट निकाल लेंगे फिर उससे ही दूसरे का कटआउट निकालेंगे सेम शेप को यूज करके। ये बर्ड का बॉडी बना, इसके बाद विंग्स बनाएंगे। विंग्स का मैंने थोड़ा अंदाजा लगा दिया कैसा होगा तो वैसे ही हम लोग एक बार अलग से ड्रॉ करेंगे विंग्स को। वही सब डायरेक्ट भी बना सकते थे लेकिन क्या है कि हम लोग अगर इसको अलग से स्टिक करेंगे तो वो थोड़ा 3D लुक आएगा तो देखने में ज़्यादा बेटर लगेगा। हम शेप का कटआउट निकाल लेते हैं।
चलो ये विंग्स का कटआउट भी हमने निकाल लिया है। अभी वापस से और एक जोड़ी हम लोग बनाएंगे, मतलब और एक बर्ड बनाएंगे यही शेप को यूज करके। वापस वही बर्ड को ड्रॉ करेंगे सेम शेप को फॉलो करके। मैं यहाँ थोड़ा करेक्ट पोजीशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें ठीक मुझे जम नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, दूसरा पेज लेती हूँ और दूसरा माउंट बोर्ड। ये रहा, ये एक्चुअली केक का पैकेट है तो इसलिए ऐसे कटिंग वगैरह दिख रहा है। ये पार्ट को मैं कट करके निकाल रही हूँ, काम थोड़ा इजी होगा इसमें अगर काम करेंगे तो। ये शेप को बैठाया और इसको ड्रॉ कर लेंगे। हो गया, बस अभी विंग्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे वैसे जैसे इस पे कटआउट निकाले थे वैसे इसका भी कटआउट निकालेंगे। फिलहाल मैं ये कटआउट मेरे स्टूडेंट्स के लिए रख रही हूँ और दूसरा और एक मुझे कटआउट निकालना पड़ेगा। हम लोग इस पे स्टिक करने वाले हैं बर्ड्स को। पोजीशन थोड़ा देख लेते हैं, पहले बैठा के देख लेना है कि कैसा पोजीशन में अच्छा लग रहा है, तो उसके बाद हम लोग स्टिक कर सकते हैं। बिग बनाना होगा ये, अब देख सकते हो ये थोड़ा ट्रायंगुलर शेप मैंने ड्रॉ किया है बनाया है, तो उसका ही कटआउट वापस से और एक निकालना पड़ेगा। और स्टिक कैसे करना है वो समझना जरूरी है। ये दो कटआउट निकल गया, अभी देखिए पीछे की तरफ से मैं स्टिक करूंगी।
स्टिक करने से पहले हमेशा थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि कैसा दिखने वाला है, उसके बाद ही स्टिक करना। तो करीब ऐसा ही पोजीशन रहेगा इसका, हम लोग अभी स्टिक कर सकते हैं। पहले बिग को स्टिक कर लेते हैं, बर्ड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद चेंज करेंगे। विंग्स को स्टिक करते हैं। अभी बर्ड को उल्टा करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग बिग को स्टिक करेंगे। ब्लू ऐड किया और ऐसे ही हम लोग दोनों बर्ड पे बिग को स्टिक कर लेंगे उल्टे साइड से। इसको भी पलटाओ और बिग को स्टिक कर दो, बस। तो बर्ड रेडी। हमने जो पोजीशन में बैठा था वो पोजीशन से समझ आ गया कि हमें कहाँ ग्लू अप्लाई करना है, तो वैसे हम लोग थोड़ा ग्लू अप्लाई करेंगे और बर्ड को स्टिक कर देंगे वहाँ पे। बर्ड तो स्टिक हो गया, अभी कुछ फ्लावर्स एंड लीव्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा फ्लावर्स एंड लीव्स देंगे तो देखने में ये और अट्रैक्टिव लगेगा। मैं यहाँ पे दो फ्लावर बनाने वाली हूँ, आप लोग चाहो तो इससे भी ज्यादा भी बना सकते हो। जैसे देखो ये
फ्लावर को ड्रॉ किया, इसका कटआउट निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग दूसरा भी फ्लावर बनाएंगे सेम शेप को फॉलो करके, जैसे बर्ड पे किया था। तरीका सेम है हर बार बनाने के लिए। और लीव्स का भी वही करेंगे, एक लीव्स ड्रॉ कर लेंगे, या तो अगर मैं यहाँ पे तीन लीव्स एक साथ ड्रॉ करने वाली हूँ, मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में। पेपर कटिंग के टाइम में पूरा पेपर एक साथ पकड़ के कट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो शेप भी बिगड़ जाता है कभी कभी। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके पेपर को जितना पोजीशन, जितना एरिया आपको चाहिए सिर्फ उतना कटआउट निकाल के फिर प्रॉपर शेप मतलब कट करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। मैंने क्या किया, ये जो सर्कुलर शेप पे ही तो है ये फ्लावर, तो वो मैंने कटआउट निकाल लिया पहले, उसके बाद ये पेटल्स को अच्छे से कट कर लिए। अभी जैसा कि मैंने बताया था, इसका एक वापस से इसको बैठा के ड्रॉ कर लेंगे और दूसरे फ्लावर का भी कटआउट निकाल लेंगे। देखिए जो मैंने अभी बोला था, एरिया को छोटा कर लेंगे। ये देखो फ्लावर के साइड साइड से कट करके पेपर को हमने निकाल लिया थोड़ा सर्कुलर शेप में। अभी ये अच्छे से हम लोग कट करवाएंगे। ये कटिंग बन गया दो फ्लावर का। अभी ड्रॉ करते हैं लीव्स। यहाँ पे मैं तीन लीव्स एक साथ ड्रॉ करने वाली हूँ। आप देख सकते हो ये है मिडिल वाला, ये साइड में और दो। ठीक है, इसका पहले एक कटआउट निकाल लेते हैं। तो अभी ये कटआउट को यूज़ करके हम लोग और भी लीव्स बनाएंगे और दो बनाएंगे।
अभी बारी है स्टिकिंग की। अभी हम लोग ये फ्लावर्स एंड लीव्स जो ड्रॉप किए थे अभी कटआउट निकाले, इसको हम लोग स्टिक करेंगे। पहले जैसे मैंने बताया था पोजीशन सेट कर लो कहाँ पे स्टिक करने वाले हो, तो ये पहले चेक कर लेना है कहाँ पे अच्छा लगेगा, उसके बाद ग्लू देकर स्टिक करना। तो मैं यहाँ पे पोजीशन सेट कर रही हूँ कैसी जगह पे देने से अच्छा लगेगा। ओके, मुझे लग रहा है ये बेस्ट है, तो मैं अभी ग्लू देने वाली हूँ। ये ग्लू देके स्टिक कर दिया, थोड़ा सा ग्लू दिया था एक साइड में, पूरे फ्लावर में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड पीछे के साइड में पूरे जगह पे कुछ है नहीं, एक साइड कवर हो रहा है और एक बैटल का एक जगह पे थोड़ा सा ग्लू लगा, बस इतना ही। तो ऐसे ही थोड़ा स्टिकिंग के टाइम में ध्यान रखो, पूरे में बैक साइड में पूरा एकदम ग्लू नहीं दे देना है। जो पोजीशन में आप बैठा रहे हो वो पोजीशन को ऑब्जर्व कर, समझो कहाँ पे देना चाहिए, सिर्फ उतना पोजीशन में उतने एरिया में ही ग्लू को अप्लाई करो। ये हो गया, तो हमने अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अभी देखो इसको हैंगिंग के लिए भी कुछ चाहिए। मेरे पास एक ईयरफोन का तार पड़ा हुआ था वेस्ट, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे स्टिकिंग के लिए। ये जो मैंने दोनों साइड से ये कर्व शेप को स्टिक किया था, तो बीच में थोड़ा गैप है, तो मैं इसलिए ऐसे को लॉक करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी लॉक हो जाएगा क्योंकि अभी भी गीला है, ग्लू सूखा नहीं है। आप लोग अगर इस टाइप की कुछ चीज़ नहीं है तो नॉर्मल स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद ये जो कर्व शेप है इसको स्टिक कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। अंदर पहले ये हैंगिंग के लिए इसको लगा दिया, उसके बाद ये कर्व शेप को आप वहाँ पर ऐड कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। मैंने ये हैंगिंग वाला मटेरियल बाद में यूज़ किया, इसलिए मैं यहाँ पे ग्लू से ये एरिया को कवर कर रही थी। अभी देखो हम लोग ये केज पे कलर देने वाले हैं, ब्लैक कलर। तो स्टार्ट करते हैं। ये ब्लैक कलर करने के टाइम में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई जगह वाइट ना छूट जाए। थोड़ा ब्रश मैं कैसे चला रही हूँ उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, स्पेशली जो अंदर की तरफ एरिया दिख रहा है ना, वहाँ पे काफ़ी टाइम देखा गया है कि वाइट छूट जाता है, तो वो जगह को अच्छे से कंप्लीट करना है, प्रॉपरली कलर को वहाँ पे देना है। ये देखो ब्रश अगर ऐसे चलाएंगे तो ऐसे वाइट वाइट दिखेगा, तो ब्रश बहुत ड्राई भी नहीं होना है। अगर ड्राई लगता है उसमें थोड़ा ब्रश पे थोड़ा पानी ले लीजिएगा, फिर वापस कलर लीजिएगा, फिर कलर कीजिए। अभी देखो इसमें ये मैंने तो फील कर दिया कलर, लेकिन ये देखो अभी ब्रश को कैसे पकड़ रही हूँ। थोड़ा अंदर की तरफ भी देखना है कि वहाँ पे खाली एरिया है कि नहीं। ये देखिए को ढूंढ ढूंढ के खाली एरिया निकालना है वहाँ से, ताकि
कोई जगह ब्लैंक ना छूट जाए बिना कलर के। बर्ड पे हम लोग पहले येलो कलर को अप्लाई करेंगे, फिर थोड़ा रेड का शेडिंग यूज करेंगे। ये विंग्स पे कलर के टाइम में मैं एक छोटा सा टेक्निक दिखा रही हूँ। एक आप फुल ऐसे ही रेड से फील भी कर सकते हो, नहीं तो इस पे अगर थोड़ा टेक्सचर देना चाहते हो तो कोई भी कपड़ा हो या तो कुछ भी चीज़ रहे उससे आप ये इसके ऊपर टेक्सचर दे सकते हो, या तो ब्रश से भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे अलग चीज़ करूँगी, मैंने यहाँ पे कलर थोड़ा लिक्विड टाइप ही रखा है। इसके बाद देखो कपड़े से थोड़ा रिमूव करेंगे, इसमें थोड़ा टेक्सचर आएगा, इसमें अलग टाइप के वो भी देखने में अच्छा ही लगता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा है तो आप सिंपली उसको रेड में भी रख सकते हो, रेड कलर में भी, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने यूज किया क्योंकि थोड़ा वाइब्रेंट लुक आएगा, इसीलिए जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने कलर रिमूव किया था जो पार्ट का वो थोड़ा ब्राइट दिख रहा है, साइड में थोड़ा डार्क दिख रहा है। तो ये इफेक्ट दिखाने के लिए मैं इस टाइप से करने की कोशिश कर रही हूँ। ये फ्लावर पे मैंने ग्रीन करने के बाद नेल से ड्रॉ किया है लीव्स के जो लाइंस वगैरह है। आप नॉर्मल अगर खाली रिफिल है उससे भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, या तो ब्रश के पीछे वाले पार्ट से भी ड्रॉ कर सकते हो।
फ्लावर पे थोड़ा ब्लू एंड वाइट यूज करेंगे ऐसे, और बीच में थोड़ा ब्लैक कलर दे देंगे। ये आईज भी बन गया, फ्लावर्स कंप्लीट है। एक का बाकी है, सो मिडिल में ब्लैक ऐड करना। ये हो गया अभी कंप्लीट। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना पाऊँ आपके लिए।